Welcome to my channel. डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अध्ययन करेंगे। यह एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसका आने वाले सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में इसका स्टडी करते हैं। इसके अगले लेसन पे हम लोग एसिड बेस पे इस रिएक्शन का डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। जैसे पे नाम पे ही है, न्यूट्रल उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। उदासीन मतलब होता है जिसमें अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज ना हो। जैसे आप लोग, एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप फोर व्हीलर या आप बाइक्स में आप बैठे होंगे, तो बाइक्स में क्या होता है, एक न्यूट्रल गियर होता है। न्यूट्रल गियर के बाद फॉरवर्ड गियर होता है जिसमें एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर या चार नंबर, डिपेंड ऑन कौन सा व्हीकल है चला रहे हो, उस प्रकार के गियर्स होते हैं जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड गियर, जिसका काम होता है गाड़ी को आगे बढ़ाना। और एक होता है बैक गियर, जब फोर व्हीलर को बैक या पीछे करना है या पार्किंग करना है तो ये गियर का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो देखिए, बैकवर्ड गियर और फॉरवर्ड गियर के बीच एक गियर होता है जिसको न्यूट्रल गियर बोला जाता है। तो जब ये बोला गया है, जब आप गाड़ी को रोकना रहता है तो न्यूट्रल गियर पर रख के आपको लॉक करके रोकते हैं। तो न्यूट्रल गियर में क्या होता है, न्यूट्रल गियर में व्हीकल के इंजन में पावर नहीं जाता, कोई टाइप का चार्ज है या एनर्जी या पावर नहीं जाता। ओके, उसी प्रकार केमिकल में भी देखो तो केमिकल में तीन टाइप के केमिकल्स होते हैं। एक कुछ केमिकल का जो नेचर होता है एसिडिक होता है, अम्लीय रहता है। कुछ केमिकल होते हैं एल्केलाइन होते हैं, एल्केलाइन मतलब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और कुछ केमिकल होते हैं जो उदासीन होते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो तीन टाइप के केमिकल के नेचर होते हैं। ये क्यों होते हैं, हम लोग आगे के लेसन जो यूनिट आपका टू है वहां पे स्टडी करेंगे। अभी देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट क्वांटिटेटिव टूगेदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, इसका प्रोडक्ट है सॉल्ट एंड वाटर। तो सिंपल एक का डिफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए इसका आगे के एग्जाम्पल ग्रुप में इसका स्टडी करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड और एक बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, और डिफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं कि इसमें एक सॉल्ट बनता है और बाई प्रोडक्ट उसमें इसमें वाटर बनता है। तो आइए कुछ एग्जांपल द्वारा देखते हैं। एक एसिड लेते हैं हम लोग, कोई भी एसिड, आगे के लेसन में हम लोग एसिड का डिफिनेशन पढ़ेंगे। अभी के रूप में हम लोग लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl फार्मूला है। जनरली एसिड का डिफिनेशन है वे सब्सटेंस जो एल्केलाइन मीडियम में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन है, H है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इजीली हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं, इसलिए एसिड कहलाते हैं। एक बेस लेते हैं, जनरली बेस में हम लोग लेते हैं NaOH। ओके, ये एक्वस मीडियम में सब रिएक्शंस का होते हैं ना, एक भी ले सकते हैं एक्वस मीडियम या लिक्विड मीडियम में। ओके, अभी देखिए रिएक्शंस में क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे सोडियम है, तो ये सोडियम और क्लोरीन ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे NaCl। ओके, और देखिए यहाँ पे H बना है और यहाँ पे OH बचा है, H प्लस होता है यहाँ पे आयन और OH माइनस है, ये बना लेगा H, दो एच टू हो जाएगा, दो H है तो यहाँ पे H2। तो देखिए डिफिनेशन है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ये अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हो, ये वाला जो टर्म्स है आप इसको याद रख के पूरा रिएक्शन याद कर सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जिसमें एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एग्जांपल में आप देख लीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की आप विशेषता बता दो, इसमें सॉल्ट तो बनता ही है प्लस वाटर बनता है। तो अगर किस टाइप का, अगर एसिड है स्ट्रॉन्ग है और यदि बेस भी दोनों स्ट्रॉन्ग है, आगे के यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किसके किसे किसे बोला जाता है।
अभी देख लीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो न्यूट्रलाइजेशन में उसका पीएच मान जो सॉल्ट बनता है उसका पीएच हो जाता है 7 हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल बनता है। आइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का एक और एग्जांपल द्वारा स्टडी करते हैं। तो हम लोग इसके लिए लेते हैं एग्जांपल में एक एसिड लेते हैं, कोई भी एसिड लेते हैं, चलो एक वीक एसिड लेते हैं CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये विनीगर में पाया जाता है। ओके, और एक बेस लेते हैं कोई भी, हाँ चलो ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH। अब ये रिएक्शंस करके क्या करते हैं, मैंने बोला कि वाटर निकलता है, यहाँ पे देखिए OH है और यहाँ पे देखिए H है, तो एक वाटर निकाल दीजिए। ओके, H2O निकाल दीजिए। अब देखिए बचा कहाँ, ये बचा है CH3COOH, तो लिख लीजिए CH3COO, और यहाँ पे बचा है Na, यहाँ पे, तो इसको सोडियम एसिटेट बोलते हैं, ये सॉल्ट है एक प्रकार का और ये है वाटर। तो यहाँ पे देखिए एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं और एक और यहाँ पे वाटर निकालते हैं, तो इस प्रकार का रिएक्शंस होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाती है। आगे के चैप्टर्स लेसन 2 में हम लोग इस रिएक्शंस का कंप्लीट स्टडी करेंगे।